नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आरसी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर प्रयागराज उत्तर प्रदेश से। बड़े काम की है यह स्फटिका या फिटकरी। फिटकरी सभी लोग जानते हैं, आयुर्वेद संहिताओं में इसको स्फटिका के नाम से या स्फटिका भस्म के नाम से वर्णित किया गया है। प्राचीन आयुर्वेद संहिता चरक संहिता में भी कई स्थानों पर इसका वर्णन आया हुआ है। इसको सौराष्ट्री कहा जाता है। सौराष्ट्री इसलिए कहा जाता है कि यह सौराष्ट्र यानी गुजरात में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। तुवरी, शुभ्रा और दृढ़ रंगा भी इसके पर्याय हैं। तुवरी इसलिए कहते हैं क्योंकि कसीला होता है, कसाय रस से प्रधान होता है, तो खाने पर कसाय लगता है। शुभ्रा यानी सफ़ेदी की वजह से इसको शुभ्रा या सफ़ेद कहते हैं। दृढ़ रंगा इसलिए कहा जाता है कि ये कलर करने वाले जो पिगमेंट होते हैं या रंग होते हैं, कलरिंग पिगमेंट, जिससे कपड़ों की रंगाई, धागे की रंगाई या बाल का हेयर कलर जो बनते हैं, उसमें डालने से यह रंग पक्का हो जाता है, जल्दी छोड़ता नहीं, इसलिए दृढ़ रंगा कहा जाता है। केमिकली हम सभी लोग जानते हैं कि यह पोटेशियम, एल्युमिनियम और सल्फर का योग है, जिसका केमिकल फार्मूला होता है K2SO4Al2SO4Thrice24H2O। केमिस्ट्री में इसका यही फार्मूला होता है। जहां तक इसके प्रयोग की बात है तो फिटकरी को ऐसे प्रयोग करना ठीक नहीं रहता है। अगर एक्सटर्नल प्रयोग करना है तो आप फिटकरी को इस तरह कर सकते हैं, लेकिन अगर इंटरनल प्रयोग करना होता है तो इसको शुद्ध किया जाता है। फिटकरी को शुद्ध करने का बहुत आसान तरीका होता है, इसको लोहे की कढ़ाई में डाल दिया जाता है और धीरे धीरे गर्म किया जाता है। जब कढ़ाई धीरे धीरे गर्म होती है तो फिटकरी पिघल जाती है और पिघलने के बाद धीरे धीरे यह जैसे इसका वाटर कंटेंट जो होता है उड़ने लगता है, तो फिटकरी धीरे धीरे बतासे की तरह फूल जाती है और फूल जाए जब फिटकरी तो बंद कर दिया जाता है आग और उतार दिया जाता है। जब ठंडा हो जाए तो इसको खुरच कर निकाल लेते हैं, बिल्कुल या ग्रेन्यूल के फार्म में, क्रिस्टल के फार्म में, पाउडर के रूप में निकल आता है। तो इस तरह की फिटकरी को हम इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। वैसे लोकल अगर यूज करना है तो इस फिटकरी को बिना शुद्ध किए भी आप कर सकते हैं। क्या काम है फिटकरी का, क्यों फिटकरी बहुत ही फायदेमंद होती है, घरेलू उपयोगों में भी या घरेलू व्यवस्था में फिटकरी आसानी से मिल जाती है, तो इसके मुख्य कार्य क्या है, कौन कौन से ऐसे गुण हैं जिसका उपयोग हम करते हैं। तो फिटकरी का जो सबसे अच्छा गुण होता है वह होता है रक्त स्तंभक। इसका मतलब ये होता है कि कहीं चोट लग जाए, कट लग जाए, खून बहने लगे, तो फिटकरी जो होता है वह चार तरह से काम करती है। पहला तो उस स्थान की क्लीनिंग करती है। अगर फिटकरी के पानी से हम धुल देते हैं तो जो इन्फेक्शन होता है वास हो जाता है। दूसरा यह संकोचक होता है, यानी उस एरिया को सिकोड़ता है, सिकोड़ने से ब्लड वेसल्स की सप्लाई वहां कम हो जाती है और जो ब्लीडिंग होती है वह कम हो जाती है, सूजन भी कम हो जाती है। तीसरी बात जो होती है कि फिटकरी रक्त स्तंभक होता है, यानी ब्लड क्लाटिंग को प्रमोट करता है, यानी जो अगर खून तेज बह रहा है तो तुरंत क्लाट फॉर्मेशन कराता है और खून बहना बंद हो जाता है। और चौथी जो सबसे बड़ी बात होती है, घावों को भरने में भी यह सहायक होता है। तो इस तरह घाव को शुद्ध करता है, उस स्थान को सिकोड़ता है, सप्लाई को कम करता है, रक्त स्तंभक होता है यानी ब्लड क्लाटिंग को प्रमोट करता है ताकि ज्यादा जो ब्लीडिंग हो रही वो बंद हो जाए और घाव को ठीक से भरने में भी यह सहायक हो। चूंकि इस फटिका में सल्फर की मात्रा होती है, इसलिए यह चर्म रोगों के लिए भी एक अच्छी औषधि मानी जाती है। ड्राई इचिंग हो, खुजली हो, दाद हो या इस तरह के एक्जिमा हो, उसमें नारियल के तेल के साथ इसको मिलाकर लगाने से अच्छा लाभ होता है। इसके साथ साथ इस फटिका में पोटेशियम की मात्रा होती है, इसलिए डायूरेशन का काम करता है, मूत्र की मात्रा को बढ़ाता है। इसीलिए आयुर्वेद में एक औषधि आती है जिसको श्वेत पर्पटी कहते हैं, तो उसमें स्फटिका भी बराबर मात्रा में मिली होती है और डायूरेशन कराती है, पेशाब को अच्छे से पास आउट कराती है, गुर्दे के फंक्शन को भी यह मेंटेन करती है। इसी तरह स्फटिका का और लोकल एप्लीकेशन में भी काम अच्छा होता है। जैसे महिलाओं में जो श्वेत प्रदर की समस्या होती है तो उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के यूज करने से लाभ होता है। कुछ औषधियों के साथ स्फटिका भस्म मिलाकर देने से श्वेत प्रदर में आराम मिलता है और लोकल एप्लीकेशन के रूप में पानी में घोलकर
उस जगह की सफाई करना या धुलाई करने से लोकल इन्फेक्शन जो है दूर हो जाता है और इस तरह वाइट डिस्चार्ज में अच्छा लाभ होता दिखाई देता है। मुख रोगों में भी इस फटिका का या फिटकरी का अच्छा रोल होता है। मुख रोग यानी माउथ अल्सर अगर हो गया हो, मुंह में घाव हुआ हो या दांत के मसूड़े अगर स्वेल कर गए हों, उसमें से ब्लड आता हो, तो इस फटिका को थोड़ा सा पानी में मिलाकर कुल्ला करने से ये चीज़ें ठीक होती हैं। मसूड़ों से खून निकलना कम हो जाता है, मसूड़े जकड़ जाते हैं और माउथ अल्सर जो घाव वगैरह होते हैं मुंह में वो भर जाते हैं। नेत्र रोगों में भी इस फटिका का उपयोग सावधानी के साथ किया जाता है। एक गिलास पानी में दो चुटकी इस फटिका भस्म डालकर नेत्र की धुलाई करने से आँख साफ हो जाती है और अच्छा दिखाई देने लगता है। आँख में जो गई हुई गंदगी या मैल जैसा होता है, धुंधला जो दिखता है, वो साफ हो जाता है। तो इस तरह इस फटिका भस्म कई तरह से लाभकारी हमारे लिए होता है। विशेष परिस्थितियों में चिकित्सक से सलाह लेकर ही इस औषधि का सेवन करना ठीक रहता है। इसके साथ ही हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।